नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका VSA फिटनेस एंड हेल्थ क्लब में। दोस्तों, मुझे किसी ने बोला था कि एक सूर्य नमस्कार के ऊपर वीडियो बनाओ, तो मैं सूर्य नमस्कार के ऊपर एक वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहले प्रणाम मुद्रा, सूर्य देव को नमस्कार करते हुए पीछे की तरफ झुके, जितना झुक सकते हैं उतना ही झुके और फिर आगे की तरफ झुके। अष्टांग प्रणाम करते हुए भुजंगासन, सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं। 12 आसनों का अपना अलग अलग फायदा होता है और उनके नाम है, सबसे पहले प्रणाम मुद्रा, हस्त उत्तानासन, पाद हस्तासन या पश्चिमोत्तासन, असो संचालन आसन, पर्वतासन, अष्टांग नमस्कार, भुजंगासन, बाद में वापस आते हुए पर्वतासन, असो संचालन आसन, हस्तासन, हस्त उत्तानासन और फिर वापस प्रणाम मुद्रा। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से शरीर, जो हम ये विभिन्न आसन करते हैं उससे शरीर, मन मणिपुर चक्कर से और आत्मा मंत्रों के उच्चारण से सबल यानी ताकतवर होते हैं। सूर्य नमस्कार करने की विधि ही जानना पर्याप्त नहीं है, इस प्राचीन विधि के पीछे का विज्ञान समझना भी आवश्यक है। इस पवित्र व शक्तिशाली यौगिक विधि की अच्छी समझ इस विधि के प्रति उचित सोच व धारणा प्रदान करती है। ये सूर्य नमस्कार की सलाहें आपके अभ्यास को बेहतर बनाती है और सुखकर परिणाम देती हैं। भारत के प्राचीन ऋषियों के द्वारा ऐसा कहा जाता है कि शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न देवताओं के द्वारा संचालित होते हैं। मणिपुर चक्कर सूर्य से संबंधित है। सूर्य नमस्कार के लगातार अभ्यास से मणिपुर चक्कर विकसित हो जाता है। मणिपुर चक्कर क्या है? मणि यानी मोती, पुर यानी शहर, यह हमारी नाभि के पीछे बना एक मोती जितने आकार का चक्कर है। यही कारण था कि प्राचीन ऋषियों ने सूर्य नमस्कार करने के लिए इतना बल दिया। मणिपुर चक्कर में अनेक बहुमूल्य मणियां हैं, जैसे स्पष्टता, आत्मविश्वास, आनंद, आत्म भरोसा, ज्ञान, बुद्धि और सही निर्णय लेने की योग्यता जैसे गुण मणिपुर चक्कर में है। मणिपुर चक्कर का तत्व अग्नि है, इसलिए यह अग्नि या सूर्य केंद्र के नाम से भी जाना जाता है। शरीर में अग्नि तत्व सौरमंडल में गर्मी के समान ही प्रकट होता है। मणिपुर चक्कर स्फूर्ति का केंद्र है, यह हमारे स्वास्थ्य को मजबूत करने के लिए ऊर्जा को नियंत्रित करता है। इस चक्कर का प्रभाव एक चुंबक की भांति होता है, जो ब्रह्मांड से प्राण को अपनी ओर आकर्षित करता है। पाचक अग्नि के स्थान के रूप में यह चक्कर अग्नाशय और पाचक अवयवों की प्रक्रिया को विनियमित करता है। मणिपुर चक्कर में अवरोध यानी कोई भी समस्या हो तो यह हमारे स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है।
जैसे पाचन में खराबी हो जाना, शुगर हो जाना, बीपी हाई या बीपी लो हो जाना, परिसंचरण तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम के रोग हो जाना, जैसे दिल से संबंधित रोग हो जाना या फिर लकवा लग जाना। इसलिए हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए मणिपुर चक्कर का सही से काम करना बहुत ज़रूरी है। सूर्य नमस्कार के यह आसन हल्के व्यायाम और योग के बीच की एक कड़ी है जो कभी भी खाली पेट किए जा सकते हैं। हालांकि सूर्य नमस्कार के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा माना जाता है क्योंकि यह मन व शरीर को ऊर्जा प्रदान कर तरोताज़ा कर देता है, दिन भर के कामों के लिए हमें तैयार कर देता है। यदि यह दोपहर में किया जाए तो यह शरीर को तत्काल ऊर्जा से भर देगा। वही अगर शाम को करें तो यह तनाव को कम करने में हमारी मदद करता है। यदि सूर्य नमस्कार को तेज़ गति के साथ किया जाए तो यह बहुत अच्छा व्यायाम साबित हो सकता है। इससे हमारा वजन जल्दी से कम होना शुरू हो जाता है और अगर किसी को थायराइड की बीमारी है तो थायराइड में भी इसका बहुत अच्छा असर साबित होता है। अगर आपको थायराइड के बारे में ज़्यादा जानना है तो ऊपर आई कार्ड में आप मैंने एक वीडियो बनाई थी थायराइड के ऊपर, वो देख सकते हैं। उसमें भी सूर्य नमस्कार का बहुत ज़्यादा फायदा होता है। ऐसा कहा जाता है सूर्य नमस्कार वो कर सकता है जो महीनों के संतुलित आहार से भी नहीं हो सकता। स्वास्थ्य के प्रति सचेत महिलाओं के लिए यह एक वरदान है। इससे आप न केवल अतिरिक्त कैलोरी कम कर सकते हैं बल्कि पेट की मांसपेशियों के सहज खिंचाव से बिना खर्चे सही आकार पा सकते हैं। सूर्य नमस्कार के कई आसन कुछ ग्रंथियों को उत्तेजित कर देते हैं, जैसे कि थायराइड ग्रंथि जो मैं पहले ही बता चुका हूँ, पेट की चर्बी को घटाना। सूर्य नमस्कार का नियमित अभ्यास महिलाओं के मासिक धर्म की जो अनियमितता होती है उसको भी दूर कर सकता है, प्रसव को भी आसान कर देता है, साथ ही चेहरे पर निखार वापस लाने में मदद करता है, झुर्रियों को आने से रोक देता है, हमें लंबी आयु और कांतियुक्त शरीर प्रदान करता है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या सूर्य नमस्कार बच्चे कर सकते हैं? जी हाँ, सूर्य नमस्कार बच्चों के मन को शांत करता है और एकाग्रता को बढ़ाता है। आजकल बच्चे बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना करते हैं, इसलिए उन्हें रोज़ सूर्य नमस्कार करना चाहिए क्योंकि इससे उनकी सहन शक्ति बढ़ती है और परीक्षा के दिनों की चिंता और असहजता कम होती है। सूर्य नमस्कार के नियमित अभ्यास से शरीर में शक्ति और ऊर्ज की वृद्धि होती है। यह मांसपेशियों का सबसे अच्छा व्यायाम है और हमारे भविष्य के खिलाड़ियों के मेरुदंड और अंगों के लचीलेपन को बढ़ाता है। 5 वर्ष के बाद बच्चे नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करना प्रारंभ कर सकते हैं। सुबह के समय सूर्य के सामने सूर्य नमस्कार करने से शरीर में विटामिन डी भी भरपूर मात्रा में मिल जाता है। छोटे बच्चों की हड्डियों को मजबूत करने के लिए यह सबसे अच्छा उपाय है। अगर 30 साल या 35 साल के बाद जिसकी हड्डियाँ कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है, वह भी अगर सूर्य के सामने सूर्य नमस्कार करें तो उन सब का जोड़ों का दर्द, रीढ़ की हड्डी में दर्द, कैल्शियम की वजह से जो भी दर्द है वो सब खत्म हो जाएंगे, हड्डियों में लचीलापन दोबारा आ जाएगा। इस तरह सूर्य नमस्कार के ढेरों लाभ हमारे शरीर को स्वस्थ और मन को शांत रखते हैं। इसलिए सभी योग विशेषज्ञ सूर्य नमस्कार के नियमित अभ्यास पर अधिक बल देते हैं। यह वीडियो पूरी देखने के लिए मेरी तरफ से दिल से धन्यवाद दोस्तों। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।